बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ईयर इसका है समर 2019 पेपर 11। तो आप देखें कि ये द डायग्राम शो द ट्रेपीजियम ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, यानी दोनों साइड ये पैरेलल होंगी, बी सी और ए डी पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं होंगी। इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है 4,0,0 टू बी के और सी के दे रहा है h,3h। द लाइन्स बी सी एंड ए डी आर पैरेलल, लाइन्स बी सी और ए डी ये दोनों लाइन्स पैरेलल, निशान भी दी गई है। एंड एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री, यानी बी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड सी डी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और सी डी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी सी डी और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट सेम होगा, सी डी का ग्रेडियंट सेम है, जीरो ग्रेडियंट होगा इसका। फाइंड बाय कैलकुलेशन द वैल्यूज ऑफ एच, एच की वैल्यू मालूम करें। अगर एच की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, देखेंगे कि ये हमें सबसे पहले तो मैं ये देता हूँ कि ए बी का ग्रेडियंट और बी सी के ग्रेडियंट की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। मैं ए बी का ग्रेडियंट मानूंगा तो बी सी का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, बी सी का ग्रेडियंट मालूम करेंगे। हम देखेंगे ए जो है हमें दिया गया है, ए पॉइंट है 4,0, बी है 0,2 और सी है h,3h। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी मालूम करते हैं पहले। ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ए बी का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 2-0/0-4, तो -2/4 यानी -1/2 है। तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 2। ग्रेडियंट ऑफ बी सी देखें, बी सी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी का ग्रेडियंट -1/2 हुआ तो बी सी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो बी सी का ग्रेडियंट। अब बी सी की कोऑर्डिनेट्स मिले बी के मिले में इक्वल टू 2 इक्वेट कर दे तो बस बात खत्म। तो अब सी इसके कोऑर्डिनेट बी सी बी ये है, सी ये है, तो इसके ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 3h-2/h-0=2 के। इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, 2 जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2h=3h-2 के, ये इधर चला जाएगा 2h-3h -2, तो -h=-2, तो h=2, h2 के आ गया। तो इसका मकसद ये है कि c के क्वाड्रेंट्स हमें मिल गए, तो c क्योंकि सी एच कामा थ्री एच है तो c के क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे 2,6। आंसर एक आंसर तो मिल गया आपका, c के क्वाड्रेंट्स मिल गए 2,6। देखो ये मैंने कैसे किया, बिल्कुल सिंपल सा, देखें कि ए बी का ग्रेडियंट मालूम किया और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बी सी के इक्वल रख दिया तो एच की वैल्यू आ गई और एच आ गई है। अच्छा अब आप नेक्स्ट में देखें क्या करें, फाइंड बाय कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू भी हमने मालूम करी, एच की वैल्यू 2 आ रही थी। फिर हमने सी के भी ग्रेडियंट, सी के बी के डी के बाद सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बाकी डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, हैंड्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। अच्छा अब आप देखें कि डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये ए सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कितने मिले, एच की वैल्यू 2 आई है तो इसके हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स 2,6 मिले। बी के कोऑर्डिनेट्स सपोज ए बी हैं, तो क्योंकि सी डी ए बी के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका ग्रेडियंट जो है 0 होना चाहिए, तो सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2,6 हैं और डी मैंने ए बी ले लिया है, तो ग्रेडियंट ऑफ सी डी 0 के बराबर होना चाहिए, 0 का क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे देखते हैं कि क्या आता है, यह जाएगा b-6/a-2 = आ जाएगा 0 के, तो इससे b-6 आ जाएगा 0 के, तो b आ जाएगा 6 के, यानी d के कोऑर्डिनेट्स a,6 आ गए। अब d के कोऑर्डिनेट्स a,6 हो गए, अब d के a,6 हो गए, अब d पैरेलल है किसके, a की वैल्यू और चाहिए हमें, a d और b c पैरेलल है, तो BC का ग्रेडियंट और AD का ग्रेडियंट इक्वल होना चाहिए। BC का ग्रेडियंट जो था, AD का ग्रेडियंट इक्वल होना चाहिए। BC का ग्रेडियंट कितना दिया है हमने, BC का ग्रेडियंट 2 है, BC का ग्रेडियंट 2 है, तो AD का भी ग्रेडियंट 2 होना चाहिए। A हमारा है, सॉरी CD का ग्रेडियंट
इसका ग्रेडियंट ए डी का और बी सी का ग्रेडियंट सेम होना चाहिए, तो ए है 4,0, ए है 4,0, तो इसका ग्रेडियंट ऑफ ए डी बराबर होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ इसके पैरेलल है, ये ग्रेडियंट ऑफ ए डी पैरेलल है, ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखना पड़ता है बार बार के नजर देखें, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी और बी सी का ग्रेडियंट हम पहले निकाल चुके हैं 2 है, ग्रेडियंट ऑफ बी सी और बी सी का ग्रेडियंट 2 है, तो ए डी का ऐसे वैल्यू करें ये 4,0 है और ये बी है ये आ जाएगा 0-6 और 4-2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके जे वन तो ये आ जाएगा 2 × 4-a इज इक्वल टू -6 के, तो जाएगा 8-a इज इक्वल टू -6, तो माइनस ए जाएगा -6 + 8 तो -8 बन जाएगा, तो माइनस ए आ जाएगा -14 के, तो ए आ जाएगा 14 के, तो ए 14 आ गया। देखिए फिर एक दफ़ा कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने नहीं की, आसान की है मैंने, क्योंकि 14 मुझे लग नहीं रहा, देखे ना इतना डायग्राम से 14 लग नहीं रहा आंसर, कभी कभी ऐसे भी चेक किया था, देखिए एच थ्री एच इतना 14 नहीं लग रहा, इसके क्लोज क्लोज है 4 है तकरीबन, ये स्केच के मुताबिक तो 14 लग नहीं रहा, तो ये तो 10 से भी कम लग रहा है, तो आप कैलकुलेशन चेक करेंगे। हम लोग इधर मिस्टेक, ये देखिए ये भी एक मेथड होता है कैलकुलेशन चेक करने के, इधर मैंने मिस्टेक कर दी, 8-2a होना चाहिए था, 8-2a -6 के, तो -2a हो जाएगा, -14 के, तो a आ जाएगा 2a हो जाएगा 14 के, तो a आ जाएगा 7 के, a 7 के आ गया, तो d हमारा मिल गया 7,6 आंसर, d मिल गया हमें, देखिए सब मिल गया। अब देखिए इस इक्वेशन को मैंने कैसे किया, आई एम सॉरी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई थी, लेकिन मैंने उसको चेकआउट कर लिया, क्योंकि टीचर्स को पता चल जाता है कि ये स्केल के मुताबिक है तकरीबन, तो वो उससे क्वाड्रेंट नहीं आ रहे थे, कि पहले मैंने ए बी का ग्रेडियंट किया और बी सी का ग्रेडियंट उसके रेगुलेटर रेसिप्रोकल, तो एच की वैल्यू आ गई 2, एच की 2 आ गई इसमें पुट कर दिया इसमें, तो ये सी की वैल्यू आ गई। अब देखें ए सी, ये सी डी जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका ग्रेडियंट दिया जी के क्वाड्रेंट्स में, ए कामा बी लिए, तो डी इसका ग्रेडियंट इक्वल टू 0 रखा, तो इससे हमें वैल्यू एक मिल गई, मेरा ख्याल बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू 6 ही आई, इसके वैसे भी पैरेलल जाहिर बात है 6 ही होना चाहिए था, तो इसके पैरेलल तो 6 बी 6 आ गया, तो डी ए का वहाँ 6 आ गया। अब ए डी पैरेलल है इसके बी सी के, बी सी की ये पूरा ग्रेडियंट मिल चुका है, बी सी का 2 है और उसका ग्रेडियंट इक्वल रखा, तो ए का भी ए की वैल्यू मिल गई, तो ए के क्वाड्रेंट्स मिल गए, सी के क्वाड्रेंट्स मिल गए, सॉरी डी के क्वाड्रेंट्स मिल गए, ए के मिले हुए, बी के मिले हुए, सी के मिल गए और डी के मिल गए। थैंक यू वेरी मच।